भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में कल इलाज के दौरान निधन हो गया था। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी पिछले हफ्तों से बीमार थे और वो अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पिछले दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी थी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया। मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि देश की जानी मानी राजनीतिक हस्तियों में से एक पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के इलाज के दौरान आज निधन की खबर अति दुखद। उनके शोक संतप्त परिवार व समर्थकों के लिए गहरी संवेदना। सौम्य व सभ्य स्वभाव के श्री मुखर्जी के लंबे राजनीतिक जीवन व देश सेवा समर्पण को हमेशा याद किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।